हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेज में। तो ये क्वेश्चन है वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोटा डिवीजन का क्वेश्चन है। इसका एग्जाम डेट 6/9/2021 है, ठीक है। इसमें हमने आपको 55 तक करा दिया था और 56 से हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आया है और क्या उसका आंसर है और क्या उसका एक्सप्लेन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, BTPN टैंक वैगन का एक्सल लोड क्या होता है। जो BTPN टैंक वैगन्स होते हैं उसका एक्सल लोड 20.32 होता है, 20.32, ठीक है। आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, BTPN टैंक वैगन का जो सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ होता है उसका सेफ्टी वॉल्व का वर्किंग प्रेशर कितना होता है। तो उसका वर्किंग प्रेशर 1.4 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 57 का हो जाएगा क। 58 देखिए, BTPN टैंक वैगन में ROH का अंतराल, जो रूटीन ओवरहॉलिंग होता है ROH और पीरियोडिक ओवरहॉलिंग होता है POH, तो आपको वैगन में POH भी पूछेगा और ROH भी पूछेगा, दोनों पूछेगा। तो दोनों आपका सभी वैगन्स का नहीं, कम से कम 7-8 वैगन्स का आपको याद रखेंगे तो वहीं से आपको क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए उसमें क्या है, जो BTPN टैंक वैगन है उसका ROH जो है 24 महीने पर होता है और उसके बाद का जो होता है 18 महीने पर होता है, जिसको कि सब सिक्वेंट कहा जाता है। तो इसका घ हो जाएगा 24 महीना। इसमें ये नहीं लिखा है कि फर्स्ट ROH या उसके बाद का, ठीक है, तो हम लोग पहला ही मानेंगे। चलिए 59, कंटेनर को उठाने के लिए जो स्वचलित ट्विस्ट लॉक कंटेनर को उठाने के लिए आवश्यक बल है, जो मतलब लिफ्टिंग फोर्स पूछ रहा है, लिफ्टिंग फोर्स 1000 kg का होता है जैसा कि आपको मालूम है, और जो लॉकिंग फोर्स होता है वो 600 kg का होता है, ठीक है। तो इसका ख हो जाएगा लॉकिंग फोर्स पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, BLC वैगन में खाली लोड बॉक्स के स्थान पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो BLC वैगन में जो है, जो LSD होता है, लोड सेंसिंग डिवाइस, उसका उपयोग किया जाता है एम्प्टी लोड डिवाइस के जगह पर। जो खाली लोड बॉक्स बोला है उसका मतलब है एम्प्टी लोड डिवाइस, ठीक है, EL डिवाइस भी उसको कहा जाता है, उसके जगह पर LSD होता है, लोड सेंसिंग डिवाइस। तो इसका हो जाएगा ख। 61 देखिए, रेल स्तर से BLC वैगन के लिए प्लेटफॉर्म की मानक ऊंचाई, जो रेल का जो लेवल होता है उससे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई जो है मिनिमम 1009 होती है, ठीक है, मिनिमम 1009 होती है। तो इसका आंसर ग हो जाएगा। 62 देखिए, BLC वैगन में कंटेनरों की लोडिंग क्षमता कितनी होती है। जो कंटेनर होते हैं वो कितने कंटेनर आते हैं, तो हमने आपको एक BLC का हिंदी में अच्छा खासा आपको PDF बना के दिया है, जिसमें BLC से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी उसमें मौजूद हैं। यदि आप उस PDF को पढ़ लेते हैं तो उसमें BLC से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे, और तो उसको पढ़ लीजिएगा। और इसका आंसर जो है, अगर 20 फीट का कंटेनर अगर लोड किया जाता है तो 2 आएगा, और 40 फीट का अगर लोड किया जाए तो 1 आएगा, ठीक है, तो इसका क हो जाएगा। 63 देखिए, वैगन में प्रयुक्त होने वाले डर्ट कलेक्टर का प्रकार है। डर्ट कलेक्टर जो है 3-वे होता है, जिसको कि 3 तरफा यहाँ लिखा है हिंदी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, ये क्वेश्चन इंग्लिश में उपलब्ध नहीं होने की वजह से मुझे हिंदी में ही आपको बनाना पड़ रहा है, और जो इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं, जो कि इम्प्लाई हैं, जो कि साउथ रीजन से हैं, तो उनको हिंदी नहीं आती, या पूर्वी भारत से भी कुछ हैं जो इनको हिंदी नहीं आती है, तो उनको उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगले भी जो दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे उनको देख लीजिएगा। 64 देखिए, एम्प्टी लोड डिवाइस इंडिकेटर प्लेट दिखाता है। जो एम्प्टी लोड डिवाइस होता है EL डिवाइस, उसमें एक प्लेट लगा होता है, उसमें इंडिकेटर के जैसा होता है, जैसे कि अगर लोडेड अगर वैगन है तो क्या कलर होगा और अनलोडेड वैगन है तो क्या कलर होगा, ठीक है। तो इसका जो होगा येलो जो है, येलो खाली बताएगा, और ब्लैक जो है भरा हुआ बताएगा, ठीक है। तो 64 का हो जाएगा क, ठीक है। चलिए 65 देखते हैं, SWTR से आप क्या समझते हैं। SWTR का मतलब होगा सिंगल वैगन टेस्ट रिंग, ठीक है, सिंगल वैगन टेस्टिंग SWTR किया जाता है। 66 देखिए, सिंगल पाइप सिस्टम में ब्रेक जारी करने में कितना समय लगता है। ब्रेक जारी करने में, जो सिंगल पाइप सिस्टम में ब्रेक जारी करने में लगता है, ऐसे तो मैक्सिमम होता है 60 सेकेंड, तो वही आपको आंसर में दिया हुआ है, तो इसको कॉल ले लेंगे। 67 देखिए, रेक के एयर ब्रेक टेस्टिंग के लिए कंप्रेग मशीन की कैपेसिटी, एयर ब्रेक टेस्टिंग के लिए जो कंप्रेग मशीन होती है उसकी कैपेसिटी पूछ रहा है। उसकी कैपेसिटी जो होती है वो 8 से 10 किलोग्राम की होती है, ठीक है। 68 देखिए,
बॉक्सन वैगन में ए डायमेंशन क्या है, ए डायमेंशन कितना होता है। हमने आपको बताया था कि डायमेंशन जो वैगन में है दो प्रकार के होते हैं, एक BOBRN वैगन में होते हैं, बॉक्सन वैगन में, और दूसरे टाइप के वैगन में होते हैं। जो बॉक्सन वैगन का ए डायमेंशन है वो है 70 + 2 - 0, ठीक है, ख है। 69 देखिए, बॉक्सर वैगन के लिए वर्कशॉप द्वारा अनुमत मिनिमम जो डायमीटर होता है न्यूनतम चक्का का व्यास वो कितना होता है, तो 919 होता है, ठीक है। तो ये जाएगा 69 का क, ये कंडेमनी नहीं पूछ रहा है, और कंडेमनी पूछता तो 906 होता है और 1000 mm का होता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि वर्कशॉप द्वारा अनुमत, ठीक है, तो इसमें आप लगाएंगे 919। 70 नंबर देखिए, BTPN व्हील का कंडेमनिंग डायमीटर, BTPN जो का जो व्हील होता है चक्का, उसका कंडेमनिंग डायमीटर जो होता है 906 mm होता है। उसके बाद 71 देखिए, एक्सल बॉक्स को किस तापमान के साथ हॉट बॉक्स माना जाता है, किस तापमान के साथ हॉट बॉक्स माना जाता है एक्सल बॉक्स को, तो इसको जो है 80 डिग्री अगर सेल्सियस हो तो उसको हॉट माना जाता है, ठीक है, उससे ऊपर जाए तो हॉट माना जाता है, ठीक है, चलते हैं। यदि नवीनतम निर्देशों के अनुसार बॉक्सन वैगन के व्हील ट्रेड पर अनुमेय सतह समतल सतह परमिशन फ्लैट जो होता है, वो आपको बताया थे कि कोचिंग में 50 mm का होता है, और जो गुड्स होते हैं फ्लैट स्टॉक या वैगन उसमें 60 mm का होता है, तो 72 का हो जाएगा घ। 73 देखिए, CTRB में कितने ग्राम ग्रीस भरी होती है, जो CTRB होता है कार्टिज टैपर रोलिंग, उसमें कितने ग्रीस भरी होती है, तो इसमें जो ग्रीस भरी होती है वो होती है 455 ± 30 ग्राम, ठीक है, तो इसका हो जाएगा क। 74 देखिए, बॉक्सन आर वैगन है कि ऊंचाई कितनी होती है, बॉक्सन आर वैगन की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई होती है बॉक्सन आर वैगन की वो होती है बॉक्सन आर वैगन, ठीक है, बॉक्सन आर वैगन की जो ऊंचाई होती है वो होती है मैक्सिमम 3408 होता है, ठीक है, मैक्सिमम 3408, और अच्छा ये 3408 होती है मैक्सिमम, और मिनिमम जो है 3125 होती है, ठीक है, तो आपको इसका ख ले लेंगे, ठीक है, ख। 21 ठीक है, आपको 2127 होगा, ठीक है, मैक्सिमम 3408 होता है और 2127 मिनिमम होता है, मतलब वही आंसर होता है आपको 2127 घ लगाएंगे, 74 का घ लगाएंगे, ठीक है। 75 देखिए, जो पहले से आंसर में टिक लगा हुआ है उस पर ध्यान नहीं देंगे, एयर स्प्रिंग सिस्टम पर लगे मेन रिजर्वायर की क्षमता है, जो मेन MR जो लगा हुआ होता है मेन रिजर्वायर एयर स्प्रिंग में वो 150 लीटर का होता है, ठीक है, अतिरिक्त लगा होता है, ये ब्रेकिंग के लिए नहीं, सिर्फ एयर स्प्रिंग के लिए यूज किया जाता है, तो 75 का हो जाएगा ग। चलिए 76 देखते हैं, बॉक्सन वैगन का मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस मैनुअल होता है वो भी हमने आपको कई बार बोला है कि मेंटेनेंस मैनुअल से एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो उसको जरूर पढ़िएगा, जो बॉक्सन वैगन होता है उसका मेंटेनेंस मैनुअल जो है वो होता है G70, ठीक है, ग होता है इसका, इसमें लिखा हुआ है मेंटेनेंस ऑफ बॉक्सन वैगन फिटेड विथ कैसनप बोगी, ठीक है, तो G70 होता है, कैसनप बोगी ही होता है बॉक्सन वैगन में, जाहिर सी बात है, इसमें LHV SPF के तो बोगी लगेगा नहीं, इसमें कैसनप बोगी ही लगेंगे। BLC वैगन में ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक का प्रयोग होता है, कितना होता है ट्विस्ट लॉक, तो 8 होते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक 8 होते हैं BLC वैगन में। चलिए BLC वैगन का जो हमारा PDF है उसको जरूर पढ़िए, उसमें आप पूरा BLC वैगन जो है क्लियर हो जाएगा। BLC वैगन में ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक को खोलने के लिए कितनी फोर्स की आवश्यकता होती है, तो हमने अभी बोला कि 600 kg खोलने के लिए, 1000 kg और लॉक करने के लिए 600 kg, लेकिन इसको कन्फ्यूज करने के लिए आपको 1000 नहीं दिया है, नन ऑफ दिस दिया है, तो इसका आंसर घ हो जाएगा, 1000 kg हो जाएगा, ठीक है। 79 देखिए, एयर ब्रेक सिस्टम में कंट्रोल रिजर्वायर का क्या कार्य है, एयर ब्रेक सिस्टम में जो कंट्रोल रिजर्वायर है वो क्या करता है,
तो जो कंट्रोल रिजर्वायर है एयर ब्रेक सिस्टम में वो डीवी के वॉल्व को नियंत्रित करता है। कंट्रोल रिजर्वायर क्या करता है, अगर जैसे ही बीपी का प्रेशर डाउन होता है तो बीपी के प्रेशर और कंट्रोल रिजर्वायर का जो प्रेशर होता है उसको डीवी भांप लेती है, ठीक है। और डीवी क्या करती है, जो एक्सोलेटेड रिजर्वायर है एआर, उसका कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर से कर देती है। तो इसमें ब्रेक सिस्टम तो नियंत्रण कर ही सकता है कंट्रोल रिजर्वायर का, लेकिन सिर्फ कंट्रोल रिजर्वायर का ही काम नहीं हो सकता, ये बीपी से भी ब्रेक नियंत्रण होता है, ब्रेक सिलेंडर से भी ब्रेक नियंत्रण होता है। तो मेन रूप से इसका डीवी से ही संबंधित है, इसका घाव हो जाएगा, ठीक है। बीपी के प्रेशर को भी कंट्रोल रिजर्वायर नहीं करता है, बीपी का प्रेशर तो ऊपर से नियंत्रण होता है गार्ड वाल्व से, ब्रेक जो जहाँ से ब्रेक लगती है वहाँ से होता है, ठीक है। चलिए तो आप इसका 79 का खा ले लेंगे। 80 देखिए, सीधे ट्रैक पर 1682 mm से ज़्यादा गेज, जो गेज से संबंधित 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, स्लैक गेज, टाइट गेज, है ना, इस तरह के स्टैंडर्ड गेज, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको नॉलेज में होना चाहिए। उसे 1-2 क्वेश्चन आपको CNW डिपार्टमेंट में आ जाते हैं या आपको वर्कशॉप में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 80 का वो हो जाएगा स्लैक गेज, ठीक है। 80 तक आपको बन गया है, 80 तक हमने आपको करा दिया है। अगला जो वीडियो बनेगा उसमें 110 तक लास्ट तक सारे क्वेश्चन को करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि कर लिए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, यदि सब कुछ कर लिए हैं तो सिर्फ लाइक करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है।